जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। टीएसए देव से मुलाकात करने के बाद ऐलान किया गया और 4 जुलाई से इन्होंने अपना काम बंद करके हड़ताल पर चले गए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। रविवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात के बाद कर्मचारी संघ ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। टीएस सिंहदेव से संघ के प्रतिनिधियों ने बीते दिन उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर अपनी मांगों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और अब डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और शासन के समक्ष उनकी बातों को रखने का आश्वासन दिया है। इसी दौरान डिप्टी सीएम ने लोगों के हितों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। उनकी पहल पर संघ के पदाधिकारियों ने चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त करके काम पर लौटने का ऐलान किया है। नौकरियों में स्थानीय बेरोजगारों की भर्ती की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने विधायक आवास का घेराव किया और जम करके पुलिस के साथ झड़प भी हुआ। दरअसल बस्तर संभाग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी के निवास का घेराव कर दिया। पिछले महीने भी अपनी मांगों को लेकर आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। आदिवासी समाज बस्तर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग में स्थानीय बेरोजगार युवाओं की भर्ती की मांग कर रहा है। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है, जहां आदिवासी समाज की याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बावजूद आदिवासी समाज हार मानने को तैयार नहीं है। शनिवार को समाज के विधायक निवास का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया गया समाज के द्वारा और इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इसके अलावा बात करें तो प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की जमकर झड़प भी हो गई। आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के जिलाध्यक्ष योगेश नरेटी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने स्थानीय भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा, इसीलिए यहाँ पर केस हार गए। रायपुर विशाखापट्टनम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर खबर, जहां प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रख दी है। इसके ठीक 3 दिन पहले NBWL का फैसला आया था, जहां केसकाल घाटी में टनल बनाने और टाइगर रिजर्व में सड़क को मंजूरी भी दी गई है। दरअसल रायपुर विशाखापट्टनम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत केसकाल घाटी में तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी टनल यानी कि सुरंग का निर्माण और उदंती सीतानरी टाइगर रिजर्व में तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी 6-लेन रोड का निर्माण नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करने वाला है। इसकी स्वीकृति NBW ने दे दी है। इसके अलावा बात करें तो स्वीकृति पत्र 4 जुलाई को NHAI को जारी किया गया था और 7 जुलाई को 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर आकर एक्सप्रेसवे की आधारशिला रख दी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एक्सप्रेसवे में छत्तीसगढ़ में फेज 3 के बात करें तो 124 किलोमीटर लंबी 6-लेन रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। फेज 1 में झांकी से लेकर के सरगी तक और फेज 2 में सरगी से लेकर के बासनवाही तक के बीच सड़क बननी शुरू भी हो चुकी है, मगर सबसे बड़ी रुकावट फेज 3 में यानी बासनवाही से लेकर मांगरपुरी के बीच है। जांच से पहले कमिश्नर ने जो है क्लीन चिट दे दी है। ये खबर बिलासपुर के 3 मंजिला इमारत के ढहने को लेकर, दरअसल तीसरी मंजिल को यहां अवैध बताया गया। पीड़ित व्यापारी को 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए। इसके अलावा बीते दिन जो है ये बिल्डिंग ढह गई थी। दरअसल बिलासपुर में 3 मंजिला मकान ढहने के बाद नगर निगम ने अब इस हादसे के लिए दोषी ठेकेदार और अफसरों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। निगम आयुक्त कुणाल दुदावत ने हादसे की जाँच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, लेकिन जाँच के पहले ही उन्होंने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल को अवैध बताकर ठेकेदार संघ की ओर से पीड़ित व्यापारी को 10 लाख रुपए मुआवजे का मरहम लगाकर मानवीय तौर पर मदद करने की बात कहकर दोषी ठेकेदार और अफसरों को क्लीन चिट दे डाली है। ऐसे में जांच कमेटी और उसकी जांच पर जो है अब सवाल उठने लगे हैं। मंगला चौक में शनिवार की सुबह 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद स्थानीय व्यापारियों ने जमकर हंगामा मचाया था। व्यापारियों ने पीड़ित श्रीराम मेडिकल स्टोर और ज्वेलरी शॉप के संचालक को मुआवजा राशि देने की मांग पर अड़ गए थे और इस दौरान विधायक शैलेश पांडे ने उनकी सुलह कराई थी और बातचीत भी की थी। तब जाकर दोपहर बाद व्यापारी मलबा हटाने के लिए राजी हुए। इसके अलावा यहाँ पर BJP के अध्यक्ष जो यहाँ अरुण साहब है वो भी निरीक्षण करने पहुँचे थे।
बीआईटी और शंकराचार्य कॉलेज के रिजल्ट पर संशय की स्थिति निर्मित होती नजर आ रही है, जिसकी जांच अब होने वाली है। सीएसवीटीयू को नोटिस जारी करके 90% रिजल्ट आने को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। दरअसल बात करें तो दुर्ग जिले में संचालित ऑटोनॉमस संस्थान बीआईटी और शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के रिजल्ट पर विश्वविद्यालय ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दोनों कॉलेज छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय यानी सीएसवीटीयू से संबद्ध है। सीएसवीटीयू प्रशासन का कहना है कि जब विश्वविद्यालय का रिजल्ट 30-35% में सिमट जा रहा है, तो ये दोनों कॉलेज कई कमियों के बाद भी 90% तक रिजल्ट कैसे दे पा रहे हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय दोनों कॉलेजों को सो कॉज नोटिस जारी करेगा और सही जवाब न मिलने से इसकी जाँच भी की जाए। सीएसवीटीयू के कुल सचिव डॉक्टर के वर्मा का कहना है कि बीआईटी और शंकराचार्य कॉलेज भिलाई दोनों ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मानक की बात की जाए तो इन दोनों कॉलेजों में कई कमियां भी पाई गई हैं। इसके बाद भी ये लोग स्टूडेंट से लगभग दोगुनी एग्जाम फीस ले रहे हैं। यहां इतनी कमियां होने के बाद भी यहां के रिजल्ट को देखा जाए तो वे अपेक्षा से अधिक आ रहे हैं, जिसको लेकर अब जाँच कमेटी भी बैठाई जाएगी। वारदात के बाद फरार हुए 74 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। रायपुर, दुर्ग और ओडिशा से इनकी गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग मामलों में ये शामिल हुए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर पुलिस ने अलग अलग मामलों में शामिल कुल मिलाकर 74 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। इन्हें पकड़ने पुलिस ने विशेष अभियान चलाया था। गाँव से लेकर के शहर तक इनकी खोजबीन भी की गई थी, सभी की गिरफ्तारी भी की गई थी। बताया जा रहा है कि कुछ आरोपियों को रायपुर जबकि कुछ को दुर्ग और कुछ को ओडिशा से भी गिरफ्तार किया गया है। मारपीट, जुआ सट्टा, गाली गलौज जैसे प्रकरण के ये सारे आरोपी हैं। वारदात के बाद से इनमें से कुछ फरार हो गए थे तो कुछ लोग कोर्ट में पेशी नहीं जा रहे थे, जिसके बाद से इनके खिलाफ लगातार वारंट भी निकाला जा रहा था। वहीं बस्तर पुलिस ने एक सप्ताह तक शहर के लेकर के गाँव की गलियों तक को भी खंगाला। कुछ मुखबिर की सूचना के बाद पकड़ाए तो वहीं कुछ को लोकेशन के ट्रैक के आधार पर पकड़ा गया। भिलाई में आयोजित मैजिशियन सुहानी शाह का कार्यक्रम रद्द किया जा चुका है। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार का मजाक उड़ाने पर भाजयुमों और बजरंग दल ने इसका विरोध किया था। दरअसल माइंड रीडिंग एंड मोटिवेशनल स्पीकर सुहानी शाह का 11 जुलाई को भिलाई में होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। मैजिशियन सुहानी शाह डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के बुलावे पर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम में आने वाली थी। डॉक्टर संतोष राय ने बताया कि उन्होंने खुद सुहानी शाह को फ़ोन किया और बताया कि उनके कार्यक्रम को लेकर लोगों में विरोध हो रहा है, इसीलिए वो कार्यक्रम को रद्द कर देंगे। ऐसे में भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रसम दत्ता के मुताबिक सुहानी शाह वही महिला है जिन्होंने बागेश्वर धाम महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा के दिव्य दरबार का मजाक उड़ाते हुए उन्हें झूठा बताया था। ऐसा करके उन्होंने हिंदू भावनाओं को आहत किया था। यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजयुमो के द्वारा उनके कार्यक्रम का विरोध किया गया। भारी बारिश की वजह से शिवनाथ नदी उफान पर है और 15 गेट खोले गए हैं। कई गांवों में बाढ़ का खतरा देख करके अलर्ट भी तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। शिवनाथ नदी के मोंगरा बैराज से तकरीबन 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अपस्ट्रीम में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इससे शिवनाथ नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। महमरा एनीकट से 3 फीट पानी ऊपर चल रहा है और इसके चलते एनीकट से कुल 30 गेट में से 15 गेट खोल दिए गए हैं। शिवनाथ नदी का जायजा लेने पहुंचे विधायक अरुण वोरा ने जिला प्रशासन व सिंचाई विभाग को गुरुद्वारा के पास व नदी मुक्ति धाम के पास 24 घंटे एसडीआरएफ को तैनात रखने व सिंचाई विभाग से सुरक्षा के लिए लगाए गए जाली व गेट रिपेयरिंग के निर्देश दिए गए हैं। विधायक के मुताबिक निगम को प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी शासन से स्वीकृति कराई गई है। इसके अलावा दुर्ग भिलाई की 10 लाख आबादी को शुद्ध जल प्रदाय के लिए 3 साल से चल रहे पुलगांव नाला का 3,50,00,000 रुपए के डायवर्जन सल कार्य का भी निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। जगदलपुर में इनकी सभा होगी और इसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के प्रथम सप्ताह में बस्तर प्रवास पर आ सकते हैं। इस बार भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नगरनार स्थित NMDC स्टील प्लांट की कमीशनिंग करेंगे और यहां 25,000 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन स्टील प्लांट पूर्णता की ओर है। इसके अलावा भी बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी
अपने आने की तिथि लेकर के तय नहीं हो पाए हैं। और ऐसे में भाजपा सूत्रों के मुताबिक बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 6 या फिर 7 अगस्त को जगदलपुर के दौरे पर आ सकते हैं। बताया जाता है कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर प्रवास के दौरान भाजपा नेताओं से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के जगदलपुर और रायगढ़ के कार्यक्रम पर सहमति बन गई है। बस्तर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री की जगदलपुर में भी एक सभा होने वाली है। एक ऐसा गांव कोंडा गांव का जहां पर डिलीवरी से पहले महिलाएं अपना घर छोड़ देती हैं। कोई बीमार पड़े तो यहां एकमात्र सहारा कांवड़ ही मिलता है और अब खुद पुल करने के लिए पुल जो है निर्माण में ग्रामीण लग गए हैं। दरअसल बस्तर के कोंडा गांव जिले का एक ऐसा गांव है जो चारों तरफ से नदी नालों से घिरा हुआ है। बारिश के दिनों में ये गाँव पूरी तरीके से टापू के रूप में तब्दील हो जाता है और ये सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू भी हो चुका है। इस गाँव की गर्भवती महिलाएँ मानसून के समय डिलीवरी से ठीक एक महीने पहले गांव छोड़ देती हैं। पास के ही दूसरे गांव में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल जाए वहां जाकर के अपना गुजारा करती हैं। ऐसा हर साल होता है क्योंकि बारिश के समय बरसाती नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। एम्बुलेंस समेत अन्य कोई जरूरी सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर स्थित इस गाँव के ग्रामीण अब घरों से चंदा इकट्ठा करके नदी पर लकड़ी का अस्थायी पुल बना रहे हैं ताकि इस मानसून थोड़ी राहत इनको मिल सके। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज में स्नातक कोर्सेज की एडमिशन की पहली सूची जारी हो चुकी है। दरअसल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम में स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए पहली मेरिट सूची बीते दिन जारी की जा चुकी है। चयनित छात्र प्रवेश ले सकते हैं। कुल 240 सीटों के लिए प्रवेश होगा। कॉलेजों से मिली जानकारी के मुताबिक बीए प्रथम वर्ष के लिए 15 छात्रों की सूची जारी की गई है और इनमें 91% से लेकर के 50% तक अंक पाने वालों का चयन किया गया है। वहीं बीकॉम प्रथम वर्ष में 43 छात्रों की सूची जारी हुई है। इसके अलावा भी इसमें 90 से लेकर के 46% अंक पाने वालों को जो है चयनित किया गया है। इसके अलावा प्रथम चरण में चयनित छात्रों को 18 जुलाई तक प्रवेश लेना होगा। 19 जुलाई से दूसरे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। बीए में अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, बीएससी गणित समूह, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कुल मिलाकर 4 पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही, कांग्रेस पंजा संरक्षण में सामने आता है। ये बयान दिया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार के मामले को घेरा है। दरअसल 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई और सभा में नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही की बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है और मोदी उन पर कार्यवाही की गारंटी है। इस मामले पर भूपेश बघेल ने भी अपना बयान दिया था और अब रमन सिंह ने पर पलटवार किया है। डॉक्टर सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री के जीरो टॉलरेंस पर एमपीसीजी सभा में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करेंगे। उनका इशारा भ्रष्ट लोगों पर है। कांग्रेस के नेता क्यों घबरा रहे हैं? साल 2014 में ऐसी सरकार आई थी कि लगातार भ्रष्टाचार पर कार्यवाही हो रही है। जब छत्तीसगढ़ पर कार्यवाही होती है, जब कोयला शराब घोटाले पर प्रकरण बनते हैं तो कांग्रेसी पंजा उनके संरक्षण में सामने आते हैं। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन इन दिनों मुंगेली में हो रहा है जहां छत्तीसगढ़ के 116 खिलाड़ियों ने अपना हिस्सा लिया है और आगामी 10 जुलाई को इसका जो है यहां पर समापन कार्य यानी आज होने वाला है। मुंगेली जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से शतरंज संघ ने राज्य स्तरीय खेल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें प्रदेश के तकरीबन 25 जिलों के 116 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 4 दिवसीय चलने वाले राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र के 4 वर्षीय लक्ष्य यादव रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं 6 वर्षीय अनाइस चोपड़ा कांकेर जिले का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में मॉनसून को लेकर अपडेट, कहीं पर कोटा फुल हो चुका है तो कहीं पर सूख के जैसे हालात हैं और अब तक 10 जिलों में कम बारिश है। राजनांदगांव और मुंगेली में औसत से अधिक बरसात हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। कहीं झमाझम वर्षा हो रही है तो कहीं मॉनसून का कोटा अभी से फुल हो गया है तो कहीं कई जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। सरगुजा जिले में सूखे के हालात हैं। वहीं प्रदेश के राजनांदगांव जिले की बात करें तो 28 से लेकर मुंगेली में 30% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई
गई है, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बारिश अभी महज 61% ही कमी देखी गई है। इसके अलावा बात करें तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में 250 मिलीमीटर के तकरीबन करीब बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि औसत 16% कम है, लेकिन इसे मौसम विज्ञान विभाग ने सामान्य स्थिति की तरह लिया है। दुर्ग, दंतेवाड़ा, कोंडागांव समेत 10 ऐसे जिले हैं जहां औसत से कम बारिश ने किसानों के चेहरे पर लकीरें खींच दी हैं। आजाद जनता पार्टी आगामी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पुलिस की नौकरी छोड़ चुके जवानों ने ये दल बनाया है और आगामी 15 अगस्त को घोषणा पत्र जारी होने वाला है। दरअसल रायपुर में रविवार का दिन बेहद खास रहा। राजनीतिक दल की बैठक हुई, खास बात ये रही क्योंकि इसे पुलिस की नौकरी छोड़ चुके जवानों ने खड़ा किया है। ये संगठन अब राजनीति पार्टी का रूप ले चुका है। बैठक में तय किया गया है कि 90 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। संगठन का नाम है आजाद जनता पार्टी। साल 2018 के चुनावों के वक्त पुलिस अधिकारों के लिए आंदोलन में शामिल हुए पूर्व पुलिसकर्मी उज्जवल दीवान और संजीव मिश्रा ने इसका दायरा बढ़ाया है। दीवान और मिश्रा की पुलिस विभाग की सरकारी नौकरी ने इसी तरह की गतिविधियों में शामिल रहने की वजह से इसके बाद दोनों ही फ्रंट फुट पर पुलिस के वेतन भत्ते, प्रमोशन और नियमितीकरण जैसे मसलों पर लगातार आंदोलन करते रहे और अब इस पार्टी के जरिए चुनाव भी लड़ा जाएगा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार लगातार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।